नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान अब भी जारी है। जी हां, जहां एक तरफ अपनी सत्ता को गवा चुकी है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं सत्ता गवाने के बाद वह तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। महाराष्ट्र में जिन पार्टियों के बीच जो भिड़ंत देखने को मिल रही है, उन पार्टियों को यहाँ पर अब क्या कुछ अहम फैसले लेने पड़ रहे हैं नई सरकार के बन जाने के बाद। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने नई सरकार बनाई और इस सरकार को बने हुए अब 2 महीने होने को जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 29 जून की रात लाइव आकर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर, देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मिलकर कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 29 अगस्त है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने को जा रही है। सुनवाई होगी 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने को लेकर और चुनाव आयोग भी जल्द ही फैसला अपना सुनाने वाला है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से वह जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। आखिरकार क्यों, किस वजह से? जी हां, आपको बता दें बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत तेज है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए, इस गठबंधन को बचाने के लिए एनसीपी पूरी तरीके से तमाम कोशिशें कर रही है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं एकनाथ शिंदे से। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर सामने आई है, उस खबर के मुताबिक तमाम दावे किए जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर अब अमित शाह और जेपी नड्डा एक्शन में आ चुके हैं। पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह मुंबई जाने वाले हैं और 5 सितंबर को वह मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में वह शिरकत करेंगे और मुंबई पहुंचकर लालबाग की राजा का दर्शन भी करने वाले हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह मुंबई दौरे के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के साथ घर भगवान गणेश जी के दर्शन करने भी पहुंचेंगे। बीएमसी चुनाव जीतने की रणनीति अब तय करने वाले हैं इस दौरे के दौरान। और यहां पर आपको बता दें कि इस साल के आखिर में ये चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर के महीने में ये चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी यहां पर अब रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें साल 2017 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह और उस वक्त वह लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए आते जाते रहा करते थे। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते वह लालबाग के राजा के दर्शन नहीं कर पाए और अब वह मुंबई पहुंचने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा 5 सितंबर के दिन जब वह मुंबई पहुंचेंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से जब वह मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपको बता दें अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त सभी पार्टियों में भिड़ंत जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।